नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों की ओर। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में चल रहे आपसी मतभेद के बाद अब सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी ने छोटे बड़े नेता छुटकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में आने लगे हैं। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के जनरल सचिव लिखित बंसल की तरफ से शुरू की मुहिम के अंतर्गत मानसा में कांग्रेसी काउंसलर्स और नौजवान वर्करों ने शहर में पोस्टर लगाकर ऐलान किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हमारे कैप्टन हैं, हमें सीएम कैप्टन के दिशा निर्देश के साथ चलना चाहिए ताकि पार्टी का भला हो सके और आने वाली 2022 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। मंत्री है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह है भी साढ़े पंजाब का एको ही कैप्टन है वह कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिड़े चार साढ़े चार सालों उन्होंने पंजाब का विकास किया है जिन्हें भी उन्होंने वादे 80% पूरे कर चुके हैं 20% रह गए जिहड़े वह भी असी पूरे करा 2022 के भी असी कैप्टन अमरिंदर सिंह ही चाहते हैं भी कप्तान एको ही होंदा है भी कैप्टन साहब तो पुराने ने उन्होंने सिर पर आप सरकार बनाई सूबे दे विच ते बहुत लोगों रुजगार दिता बेअदबियां के मुद्दे पर भी वह तो हाई कोर्ट ने जी सिट की जाँच खारिज की है हाई कोर्ट ने की है वो कल्ले कैप्टन साहब नूं बदनाम करन च लगे हुए ने इस करके असी सारे वर्करां नूं एक मैसेज दिता पार्टी वल्लों वर्करां ने कि कप्तान एको ही हुंदा है उहदे अंडर चलो उहदे दिशा निर्देश से चलो ता जो पार्टी का भला हो सके।